अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तितली, इस्लाम, जमात, सोम। आज हम पढ़ेंगे सूरत सबक नंबर 4। हमने सूरत कौसर पढ़ी थी, उसमें क्या बताया गया था कि कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को जो कुछ बताया उन्होंने उस पर यकीन करने की बजाय उल्टा उन्हें तकलीफ़ें देना शुरू कर दी। कुरैश ने कहा कि आप सल्लम का कोई बेटा नहीं, ना आप सल्लम के पास कोई पैसा है और ना ही आपके पास कोई ताकत है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगो, मगर कुरैश ने फिर भी उनकी बात नहीं सुनी और वो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, ना बेटा, ना पैसा, ना ताकत। वो ऐसी बात करके रसूलुल्लाह का मजाक उड़ाते थे। ये बात अल्लाह को पसंद ना आई तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पैगाम भेजा, उसका नाम सूरह कौसर है। ये भी कुरान में है। सूरह कौसर हमने पढ़ी थी, आज हम इसका तर्जमा पढ़ते हैं। हमने तुमको कौसर अता फरमाई है तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो, कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेऔलाद रहेगा। कौसर के मायने बहुत ज़्यादा के हैं, इसका मतलब खुशी और अल्लाह की रहमत के भी है। ये जन्नत में पानी के चश्मे का नाम है। ये खास पानी का चश्मा आप सल्लम के लिए खास तौर पर बनाया गया है। अल्लाह ताला ने जन्नत में हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी नेमतें दी हैं। ये हमने इसको पढ़ा था, आज हम इसका सफ़ा नंबर 11 करेंगे। इसमें क्या बताया गया है, अल्लाह के दूध की नहरें दी गई हैं, पानी का चश्मा दिया गया है, और भी बहुत सी नेमतें हैं जिनको हम सोच नहीं सकते, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में दी गई हैं। कुरैश ने किन तीन चीजों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया था? जब आप सल्लम कुरैश को समझाने गए कि तुम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, तो कुरैश वाले उन पर यकीन करने के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उनको तकलीफें दी थी। उनको क्या कहा था कि ना इनके पास कोई बेटा है, ना कोई ताकत है, ना कोई पैसा है इनके पास, ये क्या हमको समझा नहीं, हमारी क्या मदद करेंगे। तो अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं थी। एक तो अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाज़िल फरमाई थी, उसमें बताया गया कि तुम अल्लाह का अपनी अल्लाह की इबादत करो। हमने तुमको कौसर अता फरमाई है, तुम अपने परवरदिगार की नमाज पढ़ा करो, कुर्बानी किया करो, कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेऔलाद रहेगा। फिर कुरैश ने किस तीन चीजों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया था? बेटा ना होने पर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा भी नहीं है और फिर भी ये हमारे पास आए हैं, हमें कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम अल्लाह की इबादत करो। पैसा ना होने पर, ना इनके पास कोई पैसा है, ना कोई जगह है, ये फिर ये हमारी मदद करने के लिए आए हैं। और ना किसी किस्म की ताकत होने पर, उनके पास कोई ताकत भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जो कुरैश वाले थे वो समझ नहीं सकते कि आप सल्लम को हर ताकत दी गई थी, वो सब कुछ कर सकते थे, अल्लाह ताला के हुक्म से वो हर एक काम कर सकते थे। लेकिन कुरैश जो है वो इन बातों को नहीं थे समझ सकते, वो उल्टा उनको तकलीफें देते रहे। कुरैश ने किन तीन चीजों के लिए आप को तंग किया था? बेटा ना होने पर, पैसा ना होने पर, और किस ना किसी किस्म की ताकत होने पर। ये हमने इसको पढ़ा भी था सबक नंबर 4 से, तो कौसर में किस किस चीज के लिए तंग किया, बेटा ना होने पर, पैसा ना होने पर, किसी किस्म की ताकत ना होने पर। अब हम देखते हैं उसका सफा नंबर 11
क्या आप इन चार चीजों के बारे में सोच सकते हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में दी गई? क्या क्या दिया गया? दूध की नहरें दी गई, आपने यहाँ पर नंबर वन में लिखना है दूध की नहरें, नंबर दो पे क्या लिखना है पानी का चश्मा, नंबर तीन पे और बहुत सी नेमतें। दूध की नहरें भी दी गई हैं, पानी का चश्मा भी दी गया और बहुत सी नेमतें दी गई हैं जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते कि वो क्या क्या हो सकती हैं। कुरैश ने किन तीन चीज़ों के लिए आसम को तंग किया? हमने इसको पीछे पढ़ा भी था कि किन तीन चीज़ों के लिए तंग किया था, ना आप अमीर हैं, ना आपके पास कोई ताकत है और ना ही कोई बेटा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बेटा ना होने पर, पैसा ना होने पर और किसी किस्म की ताकत ना होने पर। कुरैश ने किन तीन चीज़ों के लिए आसम को तंग किया था, बेटा ना होने पर, पैसा ना होने पर और किसी किस्म की ताकत ना होने पर। सही टिक या गलत क्रॉस का निशान लगाए, अल्लाह कुरैश के साथ क्या करेगा, अल्लाह कुरैश के साथ क्या करेगा? कुरैश अमीर हो जाएंगे, कुरैश और ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे, कुरैश मर जाएंगे। कुरैश अमीर नहीं होंगे, ना ही वो ज़्यादा मशहूर होंगे, इसलिए वो मर जाएंगे, क्योंकि वो रहनुमाई की तरफ नहीं थे आ रहे, वो सिर्फ अपने बुतों की ही इबादत करते थे, वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं थे कर रहे, वो किसी की भी बात पर यकीन नहीं थे करते, वो उल्टा दूसरों का मजाक उड़ाते थे, इसलिए कुरैश जो है वो मर जाएंगे। सही टिक और गलत क्रॉस के निशान लगाए, अल्लाह की रहमत किसको मिलेगी, कुरैश को या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कुरैश वाले जो थे वो तो बुतों की पूजा करते थे और वो सीधे रास्ते की तरफ नहीं थे आ रहे, वो यही सोचते थे कि हमारी मदद जो है वो बुत ही करते हैं, लेकिन इसलिए अल्लाह की रहमत किसको मिलेगी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आते कुरैश वालों के पास उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन कुरैश वाले समझते नहीं थे। अल्लाह का नाम किसको मिलेगा, अल्लाह का नाम किसको मिलेगा, कुरैश वालों को मिलेगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा? अल्लाह का नाम कुरैश वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुरैश वाले सीधे रास्ते की तरफ नहीं थे आ रहे, वो अपने बुतों की इबादत करते थे, आप सल्लम को उन्होंने बहुत सी तकलीफ़ें दी और उनका मजाक भी उड़ाया, उनको तंग भी किया कि ना इनके पास कोई बेटा है, ना पैसा, ना ताकत, इसलिए अल्लाह का नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा, जो अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे कुरैश वालों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, लेकिन वो इनकी बात पर अमल नहीं थे करते। अल्लाह की सज़ा किसको मिलेगी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, हमारे नबी थे और अल्लाह ताला के भेजे हुए थे ताकि वो कुरैश वालों को और पूरी दुनिया वालों को सीधा रास्ता दिखा सके, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं थे, इसलिए अल्लाह की सज़ा कुरैश वालों को मिलेगी। आप सब बच्चों ने इसको लिखना भी है और इसको पढ़ना भी और याद भी करना है। ओके प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 11 आपने इसको मुकम्मल करना है अपनी बुक पर।